हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्प्ले ऑपरेशन और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपडेट ऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं डिस्प्ले पेज पे और हम लोग यहाँ पे एक टेबल हेडिंग ले लेते हैं एक, और इसका नाम कर देते हैं अपडेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं इसके बाद हम लोग एक फॉर्म ले लेते हैं, एक्शन इक्वल टू हम दे देते हैं अपडेट एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और इस फॉर्म को हम लोग क्लोज कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक टीडी बनाएंगे और टीडी के बीच में हम लोग पेस्ट कर देते हैं फॉर्म को। ठीक है, टीडी के पहले, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू अपडेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप हम लोग कर दिए इसको टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, जो डेटा था उसको, एंड नेम इक्वल्स टू ईएमपी आईडी। एक्चुअली हम लोग कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है उसको कर देते हैं हम लोग रीड ओनली, क्योंकि वो प्राइमरी की है, आप अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी एंड दूसरे भी फील्ड पर हम लोग अटैच कर देते हैं, नेम इक्वल टू ईएमपी नेम एंड थर्ड है नेम इक्वल्स टू एड्रेस। ठीक है, इतना हो गया। इन उसके बाद हमने एक बटन बना लिया इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू अपडेट। ठीक है, अपडेट नाम का एक बटन बना लिया। चलिए हम लोग एक बटन का क्लास भी दे देते हैं, बटन अपडेट, थोड़ा सा बटन का एक डिज़ाइन आ जाए। तो चलिए उसके लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एक सी एस एस लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड कलर लाते हैं एक सा बैकग्राउंड है जी। चलिए यहाँ से नहीं आ रहा है, 650 ग्रीन। चलिए हम लोग एक ले लेते हैं कोई बटन, मान लीजिए बटन कलर कॉपी और पेस्ट। ठीक है, एंड इसका कलर कर देते हैं हम लोग वाइट। चलिए देखते हैं इंटरफेस बनता कैसा है। चलिए हम लोग चलिए स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन, और करते हैं यहाँ से हम लोग रिलोड। ठीक है, डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक ग्रीन बटन आ गया अपडेट, लेकिन अभी इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई एक्शन दिया ही नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या एक्शन किया है,
अपडेट पे, ठीक है, अपडेट फॉर्म पे एक्शन क्या हो रहा है, अपडेट। तो चलिए हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं, कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग कमेंट दे देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग एंड अपडेट। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए व्यू 5 किस बना लेते हैं, हम कोई भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड रिटर्न कर लेते हैं इसी पेज को, ठीक है, अलग से पेज क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले पेज को ही, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट सॉरी एम्प्लाई है यहाँ पे, कॉस्ट एम्प्लाई, मान लीजिए हमने बना लिया ई एंड मॉडल ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने एम। तो चलते हैं उसके पहले हम लोग एम्प्लाई डॉ पे, और यहाँ पे देखिए हमने एक मेथड बनाया था अपडेट, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग अपडेट रिकॉर्ड, हमने दे दिया मैसेज, और यहाँ पर हम लोग चूँकि हम लोग क्या करेंगे अपडेट के साथ साथ जो है सो डिस्प्ले जो हमने मेथड बनाया है डिस्प्ले करने का, वो भी जो है सो मेथड कॉल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को एज ए लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपडेट भी करे और सारे फील्ड को पेज को रिलोड भी करे, मतलब अपडेट और डिस्प्ले दोनों मेथड एक बार में काम करे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर लेंगे एम्प्लॉय, हमने ईएमपी नाम से बना लिया, एंड EMP, ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और करते हैं लिस्ट लेते हैं, हमने मान लिया लिस्ट ले लिया इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे क्वेरी लिखेंगे str इक्वल्स टू अपडेट, और टेबल का नाम हम लोगों का है क्या एम्प्लॉय डेटा, कॉपी कर लेते हैं अपडेट एम्प्लॉय डेटा सेट नेम इक्वल्स टू व्हाट कॉमा एड्रेस इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी नेम नहीं है ईएमपी नेम है, ठीक है, वेयर वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं जेडीबीसी टेम्पलेट का हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको यूज करते हैं डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे str जहाँ पर हम लोग क्वेरी जिसमें लिखे हैं स्टोर है उसको हम लोग पास करेंगे इक्वल्स टू न्यू प्रिपेयर, ठीक है, प्रीवियस स्टेटमेंट कॉल बैक, और यहाँ पर हम लोग बुलियन पास करा देंगे, उसके बाद आ जाइए इस पर माउस ओवर कीजिए और एड इम्प्लीमेंटेड मेथड कर दीजिए, ठीक है, क्रिएट कर दिया प्रीपेड स्टेटमेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट पी एस अब क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिक। चलिए अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देते हैं सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम लोग करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, सॉरी
डॉट सेट स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स ठीक है एंड सेकंड वो भी यहाँ पर हमने बनाया एम्प्लॉय का ई एम पी डॉट गेट एम्प्लॉय नेम ठीक है फर्स्ट इन उसके बाद पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग उसके बाद हम लोग कर लेंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ई एम पी सॉरी यहाँ तो इंडेक्स जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे ई एम पी डॉट गेट एम्प्लॉय नेम सॉरी एम्प्लॉय एड्रेस एम्प्लॉय नेम तो हमने दे दिया गेट एड्रेस एंड पी एस डॉट सेट इंट थर्ड में क्या हो जाएगा इंडेक्स पे ई एम पी डॉट गेट एम्प्लॉय आई डी ठीक है हमने तीनों कॉलम को गेट कर लिया प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं रिटर्न यहाँ पे क्या करें किसको करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट प्रीपेड स्टेटमेंट क्या करेगा एग्जीक्यूट कर जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाते हैं इसके नीचे और कर लेते हैं हम लोग लिस्ट इक्वल्स टू डिस्प्ले जो है मेथड उसको भी कॉल कर लेते हैं ठीक है जो कि हमने ऊपर बनाया था ऑल डेटा डिस्प्ले के लिए ठीक है ताकि अपडेट के साथ साथ डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर दें और हम लोग यहाँ से वैल्यू को भी रिटर्न कर लेते हैं ठीक है लिस्ट से तो चलिए हम लोग अपडेट के लिए अपडेट यहाँ पर मेथड बनाया तो उसको कॉल करते हैं हम लोग कंट्रोलर पे आ जाए हम कंट्रोलर पे आ गए हम लोग और हम लोग यहाँ पर करेंगे हम ले लेते हैं एक लिस्ट लिस्ट इक्वल्स टू इम्प्लाई एम्प्लॉय डो में आते हैं डॉट अपडेट के लिए हम लोग अपडेट जो है सो मेथड बनाए हैं एम्प्लॉय डो डॉट अपडेट मेथड आ नहीं रहा है और यहाँ पे नेम गलत है ठीक है एम्प्लॉय डॉट अपडेट और हम लोग यहाँ पर क्या पास करा रहे हैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ई तो हम लोग यहाँ से ई पास कर देंगे ठीक है और उसके बाद एम डॉट एड एट्रीब्यूट हम लोग कर लेते हैं डेटा में वैल्यू को लिस्ट वाले वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे जो भी लिस्ट में वैल्यू आएगा यहाँ से ठीक है एम्प्लॉय डॉट से उसको हम लोग डेटा में स्टोर कर रहे हैं और डेटा को देखिए हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है ना क्योंकि हमने सेम नेम दे दिया क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि हमने एक ही नाम से यूज कर लेंगे लिस्ट एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ऐड एट्रीब्यूट हम लोग दे रहे हैं मैसेज एंड रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली ठीक है शायद हमने एमएसजी को यहाँ पर रिटर्न करा चुके हैं देखते हैं हाँ एमएसजी है तो चलिए हम लोग अब इसको रिलॉन्च करते हैं चलिए स्टार्ट हो गया चलते हम लोग ब्राउजर पे यहाँ पर करते हैं इसको रिलोड डिस्प्ले आ गया देखिए रीड ओनली है एम्प्लॉय आईडी इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए यहाँ पे 102 है इसका नेम हमको चेंज करना
जैसे कि मान लीजिए कर लेते हैं राम कुमार, और अपडेट पर हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पर क्या दिया, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, अपडेट भी किया और पेज को रिलोड भी कर दिया, चूँकि हमने डिस्प्ले मेथड को भी इस पर यूज किया है। मान लीजिए कि यहाँ पे यूपी जिसका एड्रेस है ज्योति कुमारी 103, जिसका एम्प्लाई एड्रेस है उस एम्प्लाई आईडी, उसका हमको एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए इसका हम लोग दे देते हैं दिल्ली, एंड अपडेट, अपडेट हो गया। मान लीजिए ऐसे आप जैसे किसी फील्ड को या दोनों फील्ड को आप जो है सो, जैसे यहाँ पर देखिए 105 है, इसका हम नेम चेंज करना चाहते हैं मनीष कुमार जैन एंड एड्रेस, ठीक है हम लोग दे देते हैं पटना, अपडेट की, अपडेट हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड को, सॉरी कितना था हम लोग का पोर्ट नंबर, सिक्स सेवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप किसी भी एक फील्ड को आप अपडेट कर सकते हैं या मल्टीपल फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने इस वीडियो में तो हम लोगों ने देख लिया अपडेट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिलीट, किसी भी पार्टिकुलर को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर रो को जो है सो पार्टिकुलर एम्प्लॉय का हम लोग रिकॉर्ड कैसे डिलीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।